दर्पण मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य दर्पण के आज के विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि कैसे 15 दिन के अंतराल पर पड़े सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के कारण महाभारत काल जैसे विनाशक समय जैसी परिस्थितियां कैसे निर्मित होने वाली हैं, क्या वर्ष 2022 का चंद्र ग्रहण अपने साथ कोई रहस्यमयी घटना की पटकथा लिखने जा रहा है, आखिर दीपावली के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण क्यों पड़ा एवं अब देव दीपावली भी चंद्र ग्रहण के कारण एक दिन पहले ही मनाई जाएगी, आखिर दीपावली से देव दीपावली जैसे पर्व पर सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का साया किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं दे रहा है। चलिए इसी पर करते हैं विस्तार से चर्चा, किंतु सीमित समय में। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण चंद्र शुक्र एवं केतु की युति में पड़ा था, जबकि चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अभी तक जब जब भी 15 दिन के अंतराल पर दो ग्रहण लगे हैं उसे अनहोनी और प्रलयंकारी घटनाओं का संकेत माना गया है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध से ठीक 15 दिन पहले भी 15 दिन के अंतराल पर कार्तिक मास में ही दो ग्रहण लगे थे और इसका परिणाम महाभारत जैसा विश्व युद्ध था जिसमें 20 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल हो गया था। ज्योतिष जगत में इस बार दशहरे के अवसर पर भारी बारिश का होना भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। दशहरे के दिन वर्षा का होना ही अपने आप में किसी अनहोनी एवं बड़ी घटना के संकेत का इशारा करता है जिसका पता आने वाले समय में आपको चलेगा। इन दोनों ग्रहणों में विशेषता ये भी है कि दोनों ही मंगलवार को लग रहे हैं। चूंकि 25 अक्टूबर को मंगलवार था जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा था, ठीक उसी प्रकार 8 नवंबर को भी मंगलवार पड़ रहा है जिस दिन वर्ष 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को लगने वाला ग्रहण भूमि विस्तार या भूमि के अधिग्रहण को लेकर देश और दुनिया में कोई बड़ा तनाव खड़ा कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध भी तो भूमि विस्तार एवं अधिग्रहण को लेकर ही चल रहा है। मंगल तो वैसे भी भूमि के कारक माने गए हैं। इन दोनों ग्रहणों का प्रभाव भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार पर कई अर्थों में घातक सिद्ध हो सकता है। आशंका यह भी है कि अभी रूस जो कि ये कह रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह दुनिया के देशों को भ्रमित कर उनका ध्यान हटाना चाहता हो और इसके पीछे वह परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा हो। अमेरिका तो पहले ही यूरोपीय देशों में लगभग 100 से अधिक परमाणु अस्त्रों की तैनाती कर चुका है और उनमें से कई का निशाना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को बनाया गया है। यदि पुतिन यूक्रेन युद्ध में परास्त हो जाते हैं तो उनकी सत्ता वैसे भी छिन जाएगी जो कि वह नहीं चाहेंगे। ऐसे में पुतिन हर हाल में ये युद्ध जीतना चाहेंगे जिसके लिए उन्हें विवशता में परमाणु बम का प्रयोग करना होगा। उधर यूक्रेन की ओर से जैविक बम फेंके जाने की बात भी कही जा रही है। यदि भूल से यूक्रेन ने ऐसा कर दिया तो रूस को परमाणु बम से हमला करने का अवसर मिल जाएगा। कुल मिलाकर विश्व की परिस्थितियां अत्यंत संघर्षकारी बनती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी आशंका है कि यदि दोनों देशों में से किसी ने भी परमाणु बम से हमला किया तो विश्व का विनाश निश्चित है, क्योंकि अमेरिका उसके बाद चुप बैठने वाला नहीं है। जापान भी इसमें परमाणु बम का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। वैसे 25 अक्टूबर को लगा सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई पड़ा था। वहीं मंगलवार 8 नवंबर 2022 का चंद्र ग्रहण भारत समेत उत्तर पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में कई देशों के मध्य तनाव बढ़ने के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर युद्ध में तेजी आने के भी संकेत मिल रहे हैं। ये दोनों ग्रहण मानव सभ्यता के अंत के साक्षी भी बन सकते हैं। यदि इसका दुष्परिणाम युद्ध के रूप में नहीं भी मिला तो इसका प्रभाव अगले 7 से 9 माह में आप विश्व में भूखमरी फैलते हुए देख सकते हैं। कई देशों में बड़ी संख्या में जनता गहरे मानसिक एवं शारीरिक तनाव के फलस्वरूप किसी नई महामारी का भी शिकार हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण का आरंभ कब से होने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण भारत के समय के अनुसार 8 नवंबर को सायं 5:28 से लेकर सायं 7:27 तक चलेगा। यदि आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चंद्र ग्रहण के समय ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चूंकि चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व ही आरंभ हो जाता है, अतः सूतक लगने से पूर्व ही देव दीपावली मना ली जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि चंद्रग्रहण का सुप्रभाव किन किन राशि के जातकों पर पड़ने जा रहा है।
तो इसका शुभ प्रभाव मेष, सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि पर पड़ेगा। ग्रहण के शुभ प्रभाव को बढ़ाने एवं अशुभ प्रभाव को कम करने हेतु इन राशि के जातकों को निम्न उपाय करने होंगे। जैसे मेष राशि के जातकों को ग्रहण के दिन चावल का दान करना शुभ होगा। वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद दूध और दही का दान करना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना होगा और गाय को हरा चारा खिलाना होगा। कर्क राशि के जातकों को ग्रहण के पश्चात गरीबों को भोजन कराना होगा और कुछ पैसे दान देने होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए उन्हें ग्रहण के पश्चात शक्कर का दान करना होगा। कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से चावल का दान करना होगा। तुला राशि के जातकों को ग्रहण के पश्चात चांदी का दान करना शुभ माना जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक चंद्र ग्रहण के पश्चात मिठाई का दान कर सकते हैं। धनु राशि के जातक पुरोहितों को अन्न और कुछ पैसों का दान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि के जातक पूर्णिमा के पश्चात तिल का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक चंद्र ग्रहण के पश्चात पशु पक्षियों को पानी और दाना डाल सकते हैं। और मीन राशि के जातक इस ग्रहण के पश्चात स्नान करें और अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चींटियों को आटा खिलाएं। तो दर्शकों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव आने वाले समय में हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। क्योंकि आप अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमने ये बात कही थी लेकिन ये हुआ नहीं। दर्शकों, ज्योतिष की जो घटनाएं हैं उसमें थोड़ा सा समय भी आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास विश्लेषण के लिए और भविष्य का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष जो है हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं। इस कारणवश आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे हमारी अपेक्षा है कि ऐसा कुछ भी ना हो और महाभारत काल जैसे ग्रहों के जो स्थितियां उस समय बनी थी वैसी स्थितियां ना बने, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। किंतु होनी को टालना असंभव है, अतः अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की सुरक्षा में तत्पर रहें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।